हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा है, हम कैसे क्या करें, अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन कैसे सेट करें या कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों, अगर आपके भी आधार कार्ड से आपका यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा है तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको सब कुछ लाइव करके बताने में लाइव करके दिखाने वाले हैं कि दोस्तों आपके आधार कार्ड से आपको यूपीआई पिन क्यों सेट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपके आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा है, तब दोस्तों अपने प्रॉब्लम को इजीली आप 2 मिनट के अंदर ठीक कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा, सबसे पहले आपको अपने फोन पर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दोस्तों, अगर आपके फोन में फोन पर एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से अपने फोन पर एप्लीकेशन को ओपन करना, ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, अब आपको जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा, आपको अपने बैंक का नाम आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्च बार पे क्लिक करना है। सो फाइनली दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो भी बैंक होगा अपने बैंक का नाम आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, मेरा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। सो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे एप्लीकेशन से इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है इस तरीके से ऐड हो जाएगा, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको यहां पे रीसेट पिन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे आप इसे रीसेट पिन पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने यहां पे एटीएम कार्ड नंबर मांग रहा है और यहां पे डेबिट कार्ड नंबर मांग रहा है। मतलब दोस्तों, एटीएम कार्ड नंबर मांग रहा है और एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो भी पे मांग रहा है, एमएमवाई में मांग रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, सो दोस्तों यहां पे आधार नंबर अगर आपको नहीं सो रहा है तो दोस्तों, अगर आपके बैंक में इस तरीके से ऑप्शंस हो रहा है पे एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड का, और दोस्तों आप नीचे यहां पे क्लिक करेंगे डोंट हैव एटीएम एंड डेबिट कार्ड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों फिर से यहां पे इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा। बट दोस्तों, आपको यहां पे आधार नंबर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिला तो दोस्तों आपके बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर है नहीं आया है। तो दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट नहीं कर पाएंगे, आपके बैंक में आएगा नहीं तो आप सेट नहीं कर पाएंगे। बट दोस्तों, अगर आपका कोई दूसरा बैंक है, अगर इस तरीके से चेक करें, जैसे मेरा जो बैंक है यहां पे केनरा बैंक है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो फीचर से आया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे हम जैसे क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट डिपॉजिट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आप इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में दोस्तों, यहां पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, अपने आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई पिन को क्रिएट कर सकते हैं। बट दोस्तों, जिस बैंक में आया है आप उसी बैंक से आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं, और जिस बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन नहीं आया उस बैंक से आप नहीं बना सकते हैं। सो दोस्तों, यही प्रॉब्लम था बहुत लोगों का कि उनके बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन था आया ही नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान थे। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको प्रश्न आई होगा। तो प्लीज दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।